नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के बाणगंगा इलाके में दो दिन पहले एक छात्रा के साथ मोबाइल लूट की वारदात हो गई। छात्रा ने आरोपी का पीछा भी किया लेकिन वो भाग गया था। पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे लूट के 3 मोबाइल जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक घटना परशुराम मूर्ति के पास मरी माता चौराहे की है। कॉलेज में पढ़ने शुभांगी परमार निवासी कुशवाहा नगर ने पुलिस को बताया था कि वो 4 फरवरी को अपनी बहन तृप्ति परमार के साथ पैदल जा रही थी, तभी पीछे से एक बदमाश आया, शुभांगी के हाथ से मोबाइल जुटा और लेकर फरार हो गया। शुभांगी ने पुलिस को बताया कि आरोपी का पीछा भी किया लेकिन वो हाथ नहीं आया था। पूरे मामले में मामला दर्ज किया गया था। वहीं मुखबिर की सूचना के आधार पर एक आरोपी को पकड़ा है जिसके जुर्म करना स्वीकार किया और अपना नाम अभिषेक भीसे निवासी स्किम नंबर 78 है, जिसने लूट की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। आरोपी नशे का आदी है जिसके चलते वो लूट की वारदात को अंजाम देता है। पकड़े गए आरोपियों से लूटा हुआ मोबाइल, इसके अलावा 2 अन्य मोबाइल भी लूटे गए थे, वो भी बरामद किए गए हैं। एक लड़की से एक मोबाइल छीनने का मामला आया था जिसमें आरोपी गिरफ्तार हुआ है और मोबाइल जब्त किया गया है। उसकी भी कार्रवाई थाना बाणगंगा में की गई। एक मोबाइल स्नैचिंग की जो घटना थी वो थाना बाणगंगा में हुई थी और इस पर क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा और बाणगंगा की टीम के द्वारा एक आरोपी को पकड़ा गया है जिसका नाम अभिषेक है। वो 10th फेल है और नशे का आदि है और उसके खिलाफ लूट का मामला पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से एक मोबाइल मिला जो कि बाणगंगा थाने में घटना में प्रयुक्त हुआ था। बाकी अन्य 2 मोबाइल मिले हैं जिसके बारे में पता किया जा रहा है उसने कहाँ से स्नैच किए हैं। उसको चूंकि नशे की हालत में काफ़ी रहता है तो उसको होश नहीं है, उसको पता नहीं है कि उसने कहाँ से लूटे हैं। फिलहाल इसमें टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। नशे की भी करता हाँ, इसके द्वारा जो बताया गया कि नशे का आदि है और नशे की लत उसको लग गई है, इस वजह से वो ये मोबाइल स्नैचिंग की वारदात करता है। भैया अभी रिकॉर्ड थाने से लिए जा रहे हैं, एक लूट का अपराध। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और